हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आप सभी के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। आप सभी के सेक्शन नंबर बी कोर्स नंबर 501 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर्स को हम देखेंगे। मैंने आप सभी से कहा था कि इस वीडियो को जल्द ही आपके चैनल पर पोस्ट की जाएगी और अभी अभी हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सभी को इस पूरे वीडियो को देखना है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी के सैंपल पेपर के सारे आंसर्स अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर्स को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे वीडियोज़ को देखेंगे। और मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को कर दे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब की बटन आपको ठीक नीचे मिल जाएगी और साथ ही साथ बगल की जो बेल की बटन है इसे भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक की बटन आपको ठीक नीचे मिल जाएगी, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कुछ ना कुछ कमेंट आप ज़रूर करें ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिलते रहे और मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ BRCs एंड CRCs इन डेवलपिंग कंट्रीज़। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी के एग्ज़ाम में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी बहुवैकल्पी प्रश्न, जिसमें आपको हर प्रश्न दो दो नंबर का होगा। 10 क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाएंगे, जो आपको 150 शब्दों में लिखना है, यानी 150 वर्ड्स में। और आप सभी से ऐसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से केवल 6 क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और उस क्वेश्चन को आपको 150 शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड्स में। और 4 क्वेश्चंस आपसे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। 2 क्वेश्चंस उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं और जो दोनों के दोनों क्वेश्चंस होंगे वो 10-10 नंबर के होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है, 500 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को, स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ BRCs एंड CRCs इन डेवलपिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। इस क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर को जब आप देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा वर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा आइडिया मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम्स में इसे छोटा करके लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पॉइंट्स को ऐड किया है ताकि आपका जो नॉलेज हो वो ज़्यादा हो और आप अपने एग्ज़ाम्स में इन सभी पॉइंट्स को यूज़ करके लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। फॉलोइंग आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ BRCs। टू प्रोवाइड एडिक्वेट एकोमोडेशंस एंड इक्विपमेंट टू प्राइमरी स्कूल, टू कैरी आउट करेंट रिपेयर्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड इफ़ ऑथोराइज्ड also to carry out special repairs and to construct new buildings, to exercise such supervision over the school as may be prescribed, to be responsible for the enforcement of compulsory attendance within its area, to arrange wherever possible midday meal to children, to provide uniform to children and to celebrate school functions and to organize excursion and other social and cultural programs in the school. Following are the rules and responsibilities of CRCs: to prepare rules and procedures for school functioning, to manage and distribute school finances, to make arrangement for implementing new curriculum or syllabus, to arrange workshops for teacher, inspection and supervision of schools in the complex, initiating transfer of teachers within the complex, disbursement of salaries, distribution of furniture, equipment and stationery, provision of leave substitute in the complex, sanction for casual leave to heads of school in the complex, collection of information for onward transmission to BRCs, district and state functionaries, develop curricular materials, academic functions, arrange regular meetings for teacher, arrange curricular and extracurricular programs, provide better access to teaching and learning resources, planning for in-service training program, supervision of school। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, जिस क्वेश्चन में आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन था, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बताने थे BRCs और CRCs के। इस क्वेश्चन को आपको एग्ज़ाम में 150 वर्ड्स में लिखना है, बट जब आप इसके आंसर को अभी आप देख रहे हैं तो कम से कम ये 250 वर्ड्स में है। तो इस पूरे के पूरे आंसर को आपको याद कर लेना है और आप अपने एग्ज़ाम में इसे छोटा करके लिख सकते हैं, यानी यू कैन मिनिमाइज दिस आंसर एंड यू कैन राइट इट ब्यूटीफुली इन योर एग्जामिनेशन।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप हमारे इस पूरे पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम के बारे में नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं, ये एक मैसेंजिंग ऐप है। जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं उसी तरह टेलीग्राम की ऐप होती है। आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को बस अपने प्ले स्टोर में जाना है, आपको टेलीग्राम सर्च करना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये है आपकी टेलीग्राम की ऐप और आपको डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद आपको हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम जो चैनल है उस पे आपको हर कुछ मिल जाएगा, आपके चैनल से रिलेटेड एमसीक्यू सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप जाएँ और तुरंत इस ऐप को डाउनलोड करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद हर वीडियो हर अपडेट आपको मिलते रहेगा हमारे चैनल टेस्ट्यूब पे। तो जाएं हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें। मैं आप सभी को एक बार बस दिखाना चाहूँगा, ये हमारी टेलीग्राम की चैनल है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे मैसेजेस हैं, सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। यहाँ पे आपको वॉइस मैसेजेस भी मिलेंगे, जो न्यूज़ होगी वो भी मिलेगी। तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और आपको ये पीडीएफ इसी चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रैक्टिशनर्स इंगेज इन अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर ओन एक्शंस एंड द रिएक्शंस दे प्रॉम्प्ट इन देमसेल्फ एंड इन लर्नर्स। द गोल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टीचिंग इज नॉट नेसेसरली टू एड्रेस अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन डिफाइंड एट द आउटसेट एज अ प्रैक्टिशनर रिसर्च, बट टू ऑब्जर्व एंड रिफाइन प्रैक्टिस इन जनरल ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। इंगेजिंग इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू एज्यूम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑब्जर्वर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एजम्पशंस एंड फीलिंग्स अंडरलाइंग देयर प्रैक्टिस एंड टू स्पेकुलेट अबाउट हाउ दीज एजम्पशंस एंड फीलिंग्स अफेक्ट प्रैक्टिस। जाइचनर एंड लिस्टन्स मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग एम्फेसिसेस फाइव की फीचर्स ऑफ अ टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। These are examines frames and attempts to solve the dilemmas of classroom practice, is aware of the question assumptions and values he or she brings to teaching, is attentive to the institutional and cultural context in which he or she teaches, takes part in curriculum development, takes responsibility for his or her own professional development. That is why it is important for elementary education. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर अबाउट रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप इस आंसर को लिख सकते हैं। जाए हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस पूरे के पूरे आंसर को आप याद कर लें। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। और मैं आप सभी को बता दूं, जो भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटली ये आपके NIUS पीडीएफ से लिया गया है। एक एक लाइन एक एक वर्ड आपके NIUS के पीडीएफ मटेरियल से लिया गया है जो आपके वेबसाइट पे है, कोर्स नंबर 501, 502 और 503 में से कहीं से भी बाहर से एक लाइन भी नहीं लिया गया है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो भी पढ़ना है बस पीडीएफ से पढ़ना है, कहीं बाहर से कोई बुक से या किसी अदर वेबसाइट से आपको नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है आपको अपने पीडीएफ से अपने बुक से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाई इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल। आंसर, मोर देन द डेवलप्ड कंट्री इंक्लूसिव एजुकेशन बियर्स इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन वुड प्रूव बेनिफिशियल इन फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। द इफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। एजुकेशन इज अ रिसोर्स इंटेंसिव वेंचर एंड हैज़ टू कम्पीट अगेंस्ट अदर डिमांड्स ऑफ द कंट्री लाइक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। देयर इज देयर फॉर ऑलवेज अ रिसोर्स क्रंच फॉर एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। सेटिंग अप स्कूल्स फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर दिस कंट्रीज। इंस्टीड यूजिंग द लिमिटेड रिसोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी अ वीएबल सॉल्यूशन एज इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज इफिशियंटली। कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट ओनली कॉस्ट इफिशियंट बट ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। इंक्लूजन प्रोमिसज द इन्हेंसमेंट नॉट ओनली ऑफ डिजेबल्ड बट ऑल्सो ऑफ नॉन डिजेबल्ड लर्नर्स। इट डज अचीव्स गुड एजुकेशन फॉर ऑल टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज एमोंग डिफरेंट लर्नर्स। इन एडिशन इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट अगेंस्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी हेल्पिंग टू मेंटेन हारमोनी ऑन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी।
डिसेंट्रलाइजेशन, प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एज इट इज इविडेंट अलाउज नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट टू रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन सेंट्रल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। एट द सेम टाइम इट इनकरेजेस लोकल डिसीजन मेकिंग दैट इज ऑफन क्लोज टू मीट द नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। इट ऑल्सो इनेबल्स लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स टू हैव अ से इन डिसीजन। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 और ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो आप चाहें तो इस पूरे आंसर को एक बार पढ़ लें और इसे शॉर्ट कर सकते हैं 150 वर्ड्स में। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूरी की पूरी अपडेट आपको मिल गई। आप अपने एग्ज़ाम में इसे शॉर्ट करके 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। राइट डाउन द सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑफ UEE एज स्टेटेड इन NPE 1986। यहाँ पे मैं बता दूँ OP क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। UEE का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और NPE का फुल फॉर्म होगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इन सभी के बारे में हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आंसर को। द फॉलोइंग मेजर्स विल बी टेकन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OP यानी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड OB। टीचर्स विल बी ट्रेन्ड इन यूजिंग द OB टीचिंग मटेरियल अंडर अ स्पेशली डिजाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्टेट गवर्नमेंट्स विल मेक प्रोविजन फॉर ब्रेकेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट। एनफ फ्लेक्सिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड फॉर परचेज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल रेलेवेंट टू द करिकुलम एंड द लोकल नीड्स। एटलीस्ट 50% ऑफ द टीचर्स अपॉइंटेड विल बी वुमेन। दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स इनरोलमेंट एंड रीटेंशन। Whenever micro planning projects are taken up, Operation Blackboard will form an integral part of micro planning. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर अबाउट ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन एज गिवन इन वर्धा स्कीम ऑफ 1937। द मेन फीचर्स ऑफ द स्कीम आर एज फॉलो। द एंटायर एजुकेशन इज टू बी इम्पार्टेड थ्रू सम इंडस्ट्री और वोकेशन विथ अ बेसिक क्राफ्ट as the center of instruction. The idea is not to teach some handicraft along with liberal education, but education integrated with a handicraft is to be imparted through samavaya integration method. It is a work-centric education. Education is to be self-supporting to the extent of covering teachers' salaries and aims at making pupils self-supporting after the completion of their courses. Every individual should learn to earn his living through manual work in life. Hence, education through manual labor is insisted. It is also considered non-violent since an individual does not snatch away the living of others. Learning is closely coordinated with home community and the child's life activities as well as village crafts and occupations. This philosophy had a strong impact on formulation of the educational philosophy, education policies, particularly at the elementary stage and for free primary education to find place in the constitution of free India. तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के आंसर। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और आप सभी को इस PDF को डाउनलोड करने के बाद या अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपको करना क्या है, आपको इसे शेयर कर देना है और आपको अपने अपने WhatsApp और Facebook ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी को मैंने कहा था कि सैम्पल पेपर की जो आंसर्स है ये आप सभी के चैनल पे डिस्कस होगी। अभी हमने कोर्स नंबर 501 के कोर्स नंबर 501 के हमने आंसर्स को डिस्कस किया है। आगे से जो कोर्स नंबर 502 है या 503 है उसकी सैम्पल पेपर के आंसर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि अब हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को जो कि हमने रोक दिया था उसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि जो क्वेश्चंस आपके सैम्पल पेपर में दिए गए हैं उन सभी को हम उसी में डिस्कस कर लें और थ्रू आउट जो आपका जो सिलेबस है उसे हम कंप्लीट करें। तो कल से या परसों से आपको आपके सारे के सारे आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इंग्लिश और हिंदी में आपके चैनल तेज ट्यूब पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने चैनल से बने रहें और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी सजेशन हो, कुछ चेंजेस आप चाहते हो अपने चैनल पे या अपने वीडियोस में, या कुछ सजेशन आप देना चाहते हो, वीडियो क्यों अच्छी लगी,
क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं हमें नीचे, और लाइक ज़रूर करें अपने वीडियो को, और जितना कमेंट हो सकता है कमेंट करें ताकि आपकी वीडियो की जो रैंकिंग है वो ऊपर जाए नीचे ना आए। तो अपने चैनल को सपोर्ट करें, चैनल से बने रहें, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, लॉन्ग लिव इंडिया।